हाँ जी, आज का जमाना जो है वो स्लिम और फिट रहने का है. हर एक चीज जो है, इंसान ही नहीं चीजें भी पतली आने लगी हैं. पहले के टाइम पे देखो मोबाइल फोन कितना बड़ा आता था, इतना ईंट जैसा बड़ा सा तो ना आदमी दो हाथ से सुनता था, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ ना. अब देखो इतने इतने मोबाइल आने लगे हैं और वो भी आदमी हाथ से नहीं सुनता, उसको भी यहाँ पे लगा लेता, यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ का अकेले बातें करता था. और कैसा ठीक है, आदमी पागल लगता अकेले, पता ऐसी बातें करते हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी है, आदमी 10-12 फोन अटेंड कर लेता था ना, उस समय जो बड़ा वाला फोन आता था ऐसे बच्चे से भारी होता था वो, पता तो आदमी जब वैसे ही भाई साहब बन जाते थे, दो बार इधर फोन सुनता था, दो बार इधर फोन सुनता था. आजकल तो बीवी कहीं फोन गुस्से में फेंकता तो फोन टूटता है, पहले सर टूटता था आदमी का. भाभी ने कभी इस्तेमाल किया भाजी फोन? बहुत बार. नहीं नहीं, फोन बात करने के लिए. अच्छा, वैसे भी हुआ. अच्छा, हर किसी को आजकल जिम जाने का शौक है. अच्छा, कई लोगों को शौक ही होता है सिर्फ जिम जाने के चक्कर में ना, पहले तो सारी चीजें खरीद लेते हैं, तो जिम जाने वाले कपड़े, जो ग्लव्स, बेल्ट और बॉटल सब कुछ खरीद लेते हैं. उसके बाद में एक दो दिन में शौक उतर जाता है, फिर सारी चीजें धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगती है. ट्रैक सूट जो रात को सोने में इस्तेमाल आता है, बॉटल फिर बच्चा स्कूल लेके जा रहा होता है, और जिन लोगों ने एडवांस में प्रोटीन ऑर्डर कर दिया ना, वो फिर दूध में डाल के अपने कुत्तों को पिला रहे होते हैं. सीरियसली. अच्छा, आदमी तो फिट होता नहीं है, उनका कुत्ता टाइट हो जाता है. जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं सब गाने हाई एनर्जी वाले लगे होते हैं, चिक 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 चिक, है ना, नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा. उसी की स्पीड से आदमी वेट भी उठाता फटाफट, नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा. अच्छा, बॉडी उस समय तो गर्म होती है, जब बॉडी ठंडी होती ना तो नगाड़े वाला गाना, अगाड़ा पिछवाड़ा सब उससे नगाड़े जैसा हो जाता है. उसके बाद जब बॉडी ठंडी होती है फिर आदमी ऐसे उतरता है. तूने ये जो नगाड़े के साथ अगाड़ा और पिछाड़ा लगाया ना, ये बहुत तगड़ा था. ये बहुत तगड़ा था. अच्छा, इन्हीं गानों पे हो सकता है, आप देखो दूसरे कभी गाने पे हो सकता है, चंदा है तू, आदमी कर ही नहीं सकता चंदा है तू, वो डम्बल साइड पर रख के आदमी सो जाएगा कि छोड़ो परा. अच्छा, ज्यादातर लड़कियां जब जाती है ना स्पेशली जिम में, वो मेकअप करके जाती है, पूरा ऐसे लिपस्टिक घिसती ना पूरा कट कर, जिम में ट्रेडमिल पे भागते भागते भी तो देखती रहती है. नहीं, लड़कों का ध्यान इन पे होता है, लड़का इधर भी देख के एक्सरसाइज करे ना तो उसका ध्यान पीछे ट्रेडमिल पे भागती लड़की पे होता है. लड़की अपना मेकअप करके ना सीरियस लगी ऐसे जो भी करती रहती है, फिर एक महीने बाद कहती मेरे वेट तो कम हुआ ही नहीं. अरे मैडम, मुंह धो के आओ, 2 किलो मेकअप उतरेगा फिर देखना. सॉरी गर्ल्स, बट होता है ऐसे. 5 मिनट के वर्कआउट में 15 फोटो खींच लेती हैं, और जो ट्रेनर इनको जिम कराने के लिए आया होता है उसको फोटोग्राफर बनाती है, भैया मेरे ना ये वाला ले ऐसे ऐसे करते ना, कि मैं अभी स्किपिंग करूंगी तब लेना, चलो भैया. अरे भैया करो ना, वो आदमी बेचारा अच्छा वाला ट्रेनर फोटोग्राफर बना होता है ना. यही कहीं फरमाइश है उसकी खुद की बीवी करे ना, डम्बल उठा के मार दे वो गुस्से में, इतनी फोटो कौन खींचता है. अच्छा, पैसे वाले लोग जो होते हैं जिम के साथ साथ डाइटिंग भी करते हैं, जैसे नॉन वेज खा लिया, एग, प्रोटीन शेक, सप्लीमेंट लेके अच्छी अच्छी बॉडी बना लेते हैं. प्रॉब्लम तब आती है अपने दिनेश जैसे लोगों को, इंस्ट्रक्टर भी सोचता है इसको बताया क्या, इसको बोलता है कि आप चिकन एग, मैंने बाबा जी का व्रत रखा हुआ है, कहता अच्छा ठीक है रहने दो. अभी और क्या, फ्रूट, फ्रूट तो हमारे घर में तभी आता है जब कोई बीमार पड़ता है. फिर ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है प्रोटीन लेने का, गुड़ और चना. और फिर ये 6 महीने खाता रहा, बॉडी का तो पता नहीं है, मुंह घोड़े जैसा हो गया. मोहल्ले में कोई अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की जॉगिंग करने जाए ना, तो सारे लौंडे लपड़े खुद ही फिट रहते हैं, क्योंकि लड़की भाग रही है बेचारी अपने हेडफोन लगा के, भाई पीछे लड़के आ गई. पीछे पूरा उनका सिगरेट का पैकेट हिल रहा था, ऐसे ऐसे करके ऐसे उड़ रहा. और कभी कभी ऐसी लड़कियां पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, फिर ये लेग्स की एक्सरसाइज भी करके आते लड़के, फिर किसी को बताते भी नहीं है, बताना नहीं अंकल जी. अरे जिम में चले जाओ ना, सामने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर की फोटो लगी रहती ना, तो आदमी जाता है 10 लाइन से लगी रहती है, सबसे पहले बड़े वाले बॉडी बिल्डर को देखता है आदमी, अरे इसके जैसी बॉडी बनानी मैंने, बड़े गुस्से में रहता है उस समय आदमी, पूरा एक करता है. उसके बाद जब नहीं कोई फर्क पड़ता, बोलते बहुत ज्यादा है, इससे छोटे वाले भी आ जाता है, इसके जितनी बॉडी बनाऊंगा.
फिर जब 6 महीने बाद वो भी नहीं बनती, 2 साल बाद नहीं बनती, फिर जब जिम के ऑनर की फोटो लगी होती ना माला डाल के, फिर उसको देख के आदमी सोचता है यार इतनी मेहनत करने के बाद अगर बचना नहीं है तो फिर क्या फायदा जिम करने का। जितने पतले पतले लड़के चले जाते हैं जिम में उनको पूछो ना कि तुम्हें क्या आता है, कहते हैं हमें तो 2-3 महीने बाद बुखार ही आता है, एक्सरसाइज तो करनी आती नहीं। अच्छा पतले लोग काम के बड़े होते हैं, इनका फायदा तब होता है जब कार में ज्यादा लोग जाने हो ना तो पीछे 3 की जगह 4 बैठ जाते हैं और 5 पे गोद में बिठा लेते हैं। अच्छा जो बैठा होता है ना वो वैसे ही शर्मिंदा से पूछते हैं वेट तो नहीं लग रहा ज्यादा तो नहीं है, तो जिसकी गोद में बैठा कहता है ज्यादा नहीं तेरी हड्डी चुभ रही इसमें कूलर डलवा। अच्छा जिन लोगों की बॉडी थोड़ी अच्छी बन जाती है ना वो मौका ढूंढते हैं बॉडी दिखाने का। हाँ। अब देखना कभी लोकल ट्रेन में जा रहे हैं ना सीट खाली पड़ी हुई जानबूझ के हैंडल पकड़ लेंगे है ना, कई तो मोहल्ले में ऐसे लड़कियों को दिखाने हाफ टी शर्ट पहन के ऐसे बच्चों को डाल आ बे तू भी आ तो कई बार उनपे और उल्टा पड़ता है। कई लड़कियां बड़ी शानी होती हैं या तो बहुत भोली होती हैं, वैसे बॉडी बिल्डर लड़के को इंप्रेस नहीं होती, दिमाग उस तरफ जाता नहीं है, वैसे बोलती भैया हमारा सिलेंडर ले आओगे। आपको चीट डे का तो पता होगा, जो लड़कियां जिम जाती हैं, जो लड़के जिम जाते हैं हफ्ते में एक दिन चीट डे देते हैं, लड़कियां उसको चार्ट डे बना लेती हैं, वो क्या करती हैं फिर गोलगप्पे खाती हैं क्योंकि और तो किस दिन खा नहीं सकती। तो जो लड़कियां इतनी इतनी सी मुंह खोल के बातें करती हैं, कैसी सिद्धू साहब ऑल वेल Yeah, I was in Delhi that time when you came to America, sir. अच्छा ये जो लड़की इतने तरह से मुंह खोल के बात करती ना गोलगप्पा खा दे उतना मुंह खोलती हैं। मैं कहता हूँ 1 इंच और खोल देना तो पानी पूरी वाले को भी अंदर बिठा लें, ये इतना बड़ा मुंह खोलती हैं। पहले के टाइम में ना भरे भरे मुंह अच्छे लगते थे गोलू मोलू से ना, माए गाल खींचती थी। अब नया फैशन आया है जॉ लाइन का, जो तीखी ठुड्डियां करके नहीं घूम रहे होते लड़के यहाँ पे, जैसे ये मैडम हंस रही है पूरा इसका जॉ लाइन कैसा, पूरी ठुड्डी तीखी है। ये नारियल पानी पिए तो छुरी की जरूरत थोड़ी है ठुड्डी से। अच्छा जिम में ना इंस्ट्रक्टर जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, यहाँ तो बड़े ओवर एक्साइट होते हैं, मैडम कम ऑन यू कैन डू इट, अबे तेरे को ज्यादा पता है यू कैन डू इट के मी कैन डू इट फालतू में लगे रहते। कुछ होते हैं सालों से यही काम कर रहे हो बोर हो जाते हैं, लड़का को पूछे ना सर ये बेंच प्रेस कैसे करना है, अबे डिप्स मार और निकल ले डिप्स, इससे कोई नहीं होने वाला। कोई कोई लड़की बोलते ना भैया बेंच प्रेस कैसे करना, तो खुद आते हैं रिस्ट यू रिस्ट शुड बी स्ट्रेट। फिर जिस लड़के को डांटा होता ना ट्रेनर ने, अब जितना मर्जी पूछिए ना मैडम काम है हमारा, तो लड़का पूछता जब मैंने पूछा था साले तब तू बैंक में जॉब करता था, कि मैं भी तो यही पूछ रहा था। आई फॉर्म में भाई एक फैट बर्न करने के लिए चीज आती है ग्रीन ग्रास, सुना है आपने कभी? हाँ बॉडी तो पता नहीं उससे बनती कि नहीं बनती, मुंह बड़ा गंदा बनता है पीता ना पर अब ये सब चीजें आती हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जैसे मतलब मोहल्ले के कुत्ते होते हैं ना जो उनका अभी ड्यूटी जस्ट फिनिश हुई होती है तो वो सो रहे होते हैं ऐसे करके आधी आंखें खुली होती कुत्तों की, तो जैसे वो भाग के जाते हैं उनकी नींद खुलती है, वो बड़ा गुस्सा करते हैं उस समय, वो फिर आदमी को और तेज दौड़ाते हैं जब पीछे भागते हैं। तो आप में से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन है जिसने किसी फिल्म स्टार से इंस्पायर होकर बॉडी बनाई हो, यहाँ पे कोई है मेरा भाई दोस्त या कोई जी माइक ले लीजिए आप, तो आपने फिल्म स्टार से इंस्पायर होकर बॉडी बनाई है? यस सर। कहाँ है लेके नहीं आए बॉडी साथ में? सर है ना बॉडी बनाई है पक्का? यस सर, वो जैसे कि टाइगर सर छुपा के रखते हैं ना ऐसी मैं भी छुपा के रखता हूँ, टाइगर श्रॉफ की जैसी बॉडी बनाई है। लेकिन आज तू छुपा मत दिखा दे, दिखाई दे यार। सर मैंने उनसे एक्सपायर होके 6 पैक्स बनाए अभी भी एक्सपायर होके। सर सॉरी सॉरी उनको देखकर सर मैंने उनकी जैसे 6 पैक्स बनाने की कोशिश की है। अच्छा यहीं पे खड़े हो जाओ, इसी बेंच पे खड़े हो जाओ। ओके सर ओके जी, देखता हूँ एक्सपायर को एक्सपायर बोल रहा है तू। ओके सर थैंक यू। अच्छा सुनता ही नहीं आपकी बात है तो क्या बताओ थोड़ा भाई साहब, तो बताओ निकाल कुर्ता। ये बॉडी थोड़ी तो कमजोरी है। सिक्स पैक तो थे ही नहीं तुम्हारे, 6 पैक कहाँ है टाइगर के, तो 6 पैक तू यहाँ से सीधा हमदर्द दवा खाना जाना।
सर मैंने उनको देखकर डांस भी सीखा है और एक्टिंग भी सीखी है और स्टंट्स भी करता हूँ उनको देख के. अरे डांस तो करके दिखा पर आजा आज भी. अभी हमारे गेस्ट आने में टाइम है, अभी आजा थोड़ा हम टाइम पास करते हैं. तो ये भाई साहब, अरे मेरे भाई ऐसे मत करो. देखो तो ये हरियाणा अच्छी नहीं पर सुंदर बड़ा तू लौंडा. सुंदर सुंदर है कि नहीं है? तो कोई और भी है जिसने किसी एक्टर से इंस्पायर होकर बॉडी बनाई है? आप जी जी कुछ हाथ खड़ा कर रहे भाई साहब. हाँ जी आ जाओ यार, इधर ही आ जाओ, ऊपर आके बात कर लेते हैं. आ जा तू बड़ा जहर है, शो में काम करता है. आ जाओ आ जाओ. आप भी बॉडी बॉडी बनाते हो ऐसे? आप क्या नाम है आपका? प्रदुम विश्वकर्मा. आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से बाहर. आपने बॉडी बनाई है? नहीं मतलब कि उनको देखिए उत्तेजना होती है मेरे को. उत्तेजना मतलब उनकी डांस पे बॉडी नहीं मतलब बनाने की, पर अभी उत्तेजना होती है. उत्तेजना किनको किनको देख के होती है? टाइगर श्रॉफ जी को. टाइगर श्रॉफ को देख के उत्तेजना मतलब मतलब वो उनके डांस और उनके जो कोरियोग्राफी उनकी डांसिंग है वेरी नाइस लगता मेरे को, बहुत अच्छा. और मतलब उनको देख के मेरे को मतलब करने का इच्छा होता है. क्या करने का? डांस. अच्छा अच्छा आप बिना हाथ हिलाए बात कर सकते हैं ऐसे सीधे करके? बताओ आपको बताना कि मेरा नाम व्हाटएवर योर नेम इज, आपको बताना है मेरा नाम ये है, ये मैं मलाड से इधर से आया हूँ. हाथ नहीं हिलना चाहिए. ओके बताओ. मेरा नाम प्रदुम विश्वकर्मा है, मैं मलाड से आया हूँ. हाँ. और क्या बोलते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं? तो आप दोनों को एक ही गाने पे अगर हम डांस करवाएं तो आप करेंगे? यस सर. ऐसे दुखी होकर बोला ये सर है. ये इसका जो बेस्ट पार्ट था ना, इसने सीधे से उल्टा होके जो डिग्गी हिलाई है ना. ऑडियंस डिसाइड करे कौन था बेस्ट, कौन था दोनों में? डिग्गी डिग्गी जिन जा चाहिए आप इस तरफ आ जाइए. प्रद्युम किसको लगता है कि ही इज द विनर? डिग्गी आपको भी लगता है? तो अच्छा खड़े रखो अभी आप, हाथ चेक तो कर लेते. ओके आइडिया तो हो ही जाएगा, पाजी को भी लग रहा है. और जिनको लगता है कि ये है विनर, यार ये क्या बात हुई, मजाक नहीं करना सीरियसली बताओ. मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे. चलिए थैंक यू ब्रदर. अरे मेरे भाई थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच. ये माइक ले जाइए. शुक्रिया बेटा. तू भी अच्छा नाचा, बहुत अच्छा नाचा, तू भी बहुत अच्छा नाचा. कितने लड़के लड़कियों को यहाँ पे लगता है कि इंसान की फिटनेस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कौन है वो? पिछले माइक दे दीजिए. यस क्या नाम है आपका? गिनी. गिनी ये आजकल भैया गिनियों का ही जमाना है. नहीं, नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है. तो क्या क्या है आपका विचार? सर नेचर अच्छा होना चाहिए. अच्छा अगर वो फिट रहेगा तो शादी के बाद वो शायद अगर हम मोटे हो जाए तो हमें छोड़ के वो किसी फिट लड़की को देखने लगेगा. स्वभाव अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर अच्छे स्वभाव वाला आदमी अगर फिट भी है तो वो भी तो बहुत अच्छी चीज है. तो आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्वभाव वाले को ढूंढो, उसके बाद उसको फिट कर लो और उसके बाद खिला पिला के रखो. नहीं अगर हमें नेचर चाहिए तो उसे फिट करने की क्या जरूरत है? वाह सारी गिन्नी इतनी समझदार क्यों होती है? चलो थैंक यू ए इनको भी माइक दे दीजिए. कितने अदब से इंटरव्यू लिए तूने इसकी. हेलो कपिल सर, मेरा नाम स्लावी है. ओके तो मेरा ये मानना है कि फिटनेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी. बंदे का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने लाइफ पार्टनर को अगर चूज करती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि मैं जो कहूँ वो सुने और वो करे. और वो मुझे तो हर लड़की चाहती है, वो हर बीवी चाहती है कि मैं जो कहीं वो हमारी सुनती कहाँ है आप. वो तो आदमी का स्वभाव ना भी अच्छा हो ना, उसको सुनना ही पड़ेगा. अंदर से भले ही चिढ़ा हुआ वो. इसके लिए तो हमें ऐसे लड़के चाहिए जिसका नेचर बहुत अच्छा हो और जो हमें चाहिए वो हमें दे सके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लड़कियों का पत्नियों का तो घर में चलता ही है कि मेरा ही चले. आपने भी तो अभी एक्सपीरियंस किया ही होगा. ये सही बात बोल गई वो. तो लड़का गोलू मोलू होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए. स्वभाव अच्छा होना चाहिए. कपिल सर. हेलो सर. वैसे जो बस बढ़िया एकदम. आप क्या नाम है आपका? हितेश. हितेश आपका बहुत बहुत स्वागत है. इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं. हाँ सर, जैसा मैडम ने कहा जी कि नेचर इम्पोर्टेंट है और बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब सब शो के लिए ही है.
इसके बाहर जाके सब चेंज हो जाएगा सर. 4 साल से इंजीनियरिंग की है, ट्राई कर रहा हूँ, एक लड़की नहीं बटी. ओ गुरु, मुझे तो तू बड़ा जला हुआ आशिक लग रहा है. दिल की बात कह दी सब आपने. तो आपने वैसे प्रपोजल भेजा किसी को? हुआ है सर. तो फिर क्या बोली लड़की? कुछ हुआ नहीं आगे. आपका जैसे सर मैडम को पूछिए ना, उनको चलेगा क्या गोलू मोलू? आज अगर डिबेट हुई है, नेचर तो लड़के का बड़ा अच्छा है, हंसी मजाक कर रहा है, सारी ऑडियंस का मेला लूट लिया इसने. आप अगर कहें तो मेरी जेब में रिंग है, अगर आपकी इजाजत है. जिस तरह से आपने मांग की थी है पूरा गोलू बोलू. मुझे इतना भी नहीं चाहिए. पिताजी भी हैं साथ में, बोलो आगे बात बढ़ा ले. नमस्कार. आप तो बहुत चालू हैं, बहुत फास्ट हैं आप. दो मिनट बात कर लो. हाँ जी जी, स्लैबी कुछ कहना चाहते हैं. लेकिन वो मुझे अभी सूट नहीं लग रहा है, इतना भी गोलू मोलू नहीं कहा था मैंने. सर शो के बाहर कहा था, शो के अंदर ही चेंज हो गया. देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है. हम लड़के होते भोले. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और लड़के थोड़े से पैदल होते हैं, इमोशनल होते हैं. सलाबी पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत समझदार हो जाती हैं, जल्दी समझदार हो जाती हैं? Yes, और लड़कों sure. को अकल आने में तकरीबन काफी टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है. माइक आगे दे दीजिए. हेलो सीधी सर. हेलो कपिल. हेलो जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. थैंक यू टू यू एंड विनी मैम. थैंक यू. मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप दोनों का लाइफ बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं हेल्थ के ऊपर कुछ जी प्लीज बोलना चाह रही हूँ. मेरा मानना है कि नेचर भी जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा हेल्थ बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हेल्थ से सफर कर रही हूँ. अच्छा जी. सिंस 2 इयर्स से आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट स्टेज. एंड 2 साल से? यस सर. डायग्नोस कभी हुआ? 2 साल से, 2 साल पहले. 2 साल पहले हुआ और लास्ट स्टेज है मेरा. और मैंने सिर्फ 2-3 मंथ्स इग्नोर किया. तो मैं ये मानती हूँ कि कभी भी किसी को 1% भी लगे कि ऐसा हेल्थ इशू है तो उनको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और अपने हेल्थ का सबसे पहले केयर करना चाहिए. और सबसे ज़्यादा मैं आपसे भी नाराज हूँ. क्यों सर? इसलिए क्योंकि जब मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ, मेरी 3 मंथ्स की डॉटर थी और आपका शो बंद हो गया था. मैं आपका शो देखकर जीती थी सर. मेरे अंदर वो विल पावर आता था और एवरी डे मैं रिपीट देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठीक हो रही हूँ मेरी डॉटर के लिए. और मुझे बहुत उससे विल पावर मिला. जब आपका शो बंद हुआ तो मुझे ऐसा लगा सर कि मेरा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है. उस सर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जिनके वजह से मैं हंस रही थी. एटलीस्ट मैं उस टाइम में, आज से आपका सपोर्ट सिस्टम भी आ गया और आप अच्छी भी हो जाएंगी, गारंटी है मुझे. यस सर, 100%. मैं जैसे ही आपका शो स्टार्ट हुआ सर, मैं इतनी खुश हुई. और रात को मैं 2:30 बजे, जैसे मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, 2:30 बजे मैं ऑन द वे आई हूँ. और मैं खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर, फिर भी मैं अभी तक सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपको टच करने के लिए. अभी आप कैसी हैं? अभी ठीक है? नॉट टू गुड. पर सर मुझे आपसे मिल के और आपको देख के ऐसा फील हो रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी. आई एम वेरी श्योर. थैंक यू. और आप बहुत प्यारी लग रही हैं. आपको पता है, मतलब कोई अगर आपको देख के कोई बोल नहीं सकता है, कोई आपको देख के बोल नहीं सकता कि आप ठीक नहीं है. और वैसे ये बोला भी मत करें कि आप ठीक नहीं है. आप बहुत प्यारी लग रही हैं और गॉड ब्लेस यू. आप अपना ध्यान रखो. आप अभी कंफर्टेबल हैं? आपको इधर बैठना है कि आपको रेस्ट करना है, बताइए. सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. प्लीज बैठिए. और गॉड ब्लेस यू. आप अच्छी हो जाएंगी पक्का. आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ये बात कभी नहीं बोली. लास्ट स्टेज कोई नहीं होती है. आप बोलिए कि मैं इस, मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं उसको क्योर कर रही हूँ और यू विल बी फाइन सून. ओके, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे. थैंक यू.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। सिद्धुभा जी, आपको तो पता है घर पे कितने बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, और बड़ी बात यह है कि आज उनके पापा भी आने वाले हैं, सलीम खान साहब, और उनको बड़ी नफरत है अगर किसी ने ना स्मेल वाले कपड़े पहने हो तो भाग के आप भी चेंज करके आओ, मैं भी चेंज करके आता हूं, मैं जल्दी मिलता हूं। तालियां। ऐसा हमने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि हमारे जो मेहमान हैं वो आज भी बने रहेंगे, तो वो आज भी बने हुए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान खान, अरबाज खान एंड सोहेल खान। सो अब वक्त है उन्हें स्टेज पर इनवाइट करने का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में राइटर्स का नाम जो है वो फिल्म स्टार से भी ऊंचा कर दिया, जिन्होंने साबित किया कि फिल्में सिर्फ एक्टर के नाम से ही नहीं बल्कि कहानी के दम से चलती हैं। भले लोग फिल्म स्टार्स के पीछे भागते हो, लेकिन फिल्म स्टार जो हैं, वो इनकी लिखी कहानी के पीछे भागते थे। सो प्लीज वेलकम हिंदी सिनेमा में एक राइटर को उसका मुकाम, उसका हक और उसका सम्मान दिलाने वाले, सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाने वाले, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड सलीम खान साहब। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ी सालों से हमारी तमन्ना थी कि सलीम साहब हमारे शो पे आए, तो दो बार शो शुरू किया, बंद हो गया, तो आज हमारी किस्मत में शायद लिखा था कि इस सीजन में सलीम खान साहब जो हैं वो हमें यहाँ पे दर्शन देंगे। जोरदार तालियां सलीम साहब के लिए। सर, सबसे पहले तो हिंदी सिनेमा को जो आपने एक नई पहचान दी है जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर फिल्मों के नाम गिनाने पे आऊं तो शायद बहुत बहुत समय जाएगा। ये ऐसी फिल्में हैं मेरे ख्याल से जो माइलस्टोन है, एक एक फिल्म पे तालियां बनती हैं। यादों की बारात, हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, ना जाने कितनी ही यादगार फिल्में जो हैं सलीम साहब ने लिखी हैं। ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब सलीम जावेद साहब की जोड़ी किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर से बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो सर, मैं बहुत सालों से ये तमन्ना भी थी कि जब आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतनी सारी फिल्में लिखी सर, उस समय जब आप सर फिल्में लिखते थे तब आप एक्टर को ध्यान में रखते थे या? दोनों तरीके से होता है वो। अच्छा जी। कई मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है जी, देन यू थिंक कि इसके लिए बहुत ही मौजू कैरेक्टर कौन होगा जी, देन आप उसको अप्रोच करते हैं जी। जब जंजीर की स्क्रिप्ट कम्प्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने दिलीप साहब को कॉन्टेक्ट किया। अच्छा जी। तो किसी वजह से उन्होंने नाइन कर दिया। इसके बाद फिर हमने धर्मेंद्र जी को सुनाई, वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर हमने देव साहब को सुनाई। अच्छा जी। फरहान साहब के घर पे, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाई, तो देव साहब बाहर निकले, कंधों पे हाथ रखा और कहा कि इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, किसी भी वजह से अगर मैं इनकार करूँ तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्ट। ओके। कहानी बहुत अच्छी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मैंने राजकुमार साहब को सुनाई। अच्छा जी। उन्होंने कहा जानी ये तो तुम हमारी कहानी ले आए। राजकुमार साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी था, इनकी एक पिक्चर बन रही थी उल्फत। अच्छा। तो उसमें साधना जी थी, वहीदा रहमान थे, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा जी। तो खाना लगने लगा तो साधना जी ने कहा राज साहब खाना खाइए, तो कहे नहीं नहीं आप खाइए, कुछ तो खाइए, थोड़ा सा तो खाइए, तो नहीं नहीं आप लोग खाइए, तो कहने आप खाना तो खाते होंगे ना। यानी खाना तो हम खाते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी खा लें। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी, एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जिस जो इसके कास्ट किया गया मेन हीरो है, बच्चन साहब है या धर्म पाजी है, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो आज तक याद है हमें। अच्छा, जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस, कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा, जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा, जिन्होंने आधा भी नहीं बोला सिर्फ गोली खाई वो भी फेमस। मतलब ये कमाल हुआ था, इसके लिए तो पहले तालियां बनती है।
शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया सर, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी पार्टी में हो जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है जी 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 कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। Keep it up. एंट्री हुई जी, पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको नहीं मालूम? सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा, शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने दो डायलॉग बोले थे, किसी ने तीन डायलॉग बोले थे जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था, उनका था अच्छा खासा मकान था, दो तीन उसका रूम का। अच्छा जी। कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फोन किया। अच्छा जी। तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैंने कहा सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है क्या नहीं है। दो अच्छा बेडरूम का मकान था। अच्छा जी। तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी। मतलब मैंने कहा ना हमारा दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं जी, मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी। तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरे यहाँ पर जरूर आते थे। अच्छा जी। तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है, तो उन्होंने कहा सलीम मियां मैं आपको सुनाऊं वक्त क्या होता है। मैंने बताइए जी। कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। क्या बात है। तो सलीम साहब, हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी कोई क्रिकेट का बड़ा शौक था, फिर सिंगिंग का भी हो गया, तो फिर कंफ्यूज भी थे मैंने सुना कि। बहुत कंफ्यूज थे, एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना? आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना? कैन आई टॉक टू यू? जी जी। कैन आई टॉक टू यू डैडी? वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था, और खारजिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज आते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी। क्रिकेटर्स काफी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दोनों तरफ से चल रहा था, तो जो गाना गाता था वो सिखाने आता था जी, वो नाक में गाता था। अच्छा जी। मेरे ये उसको रिपीट करते थे, तो ये भी गाते थे मेरे तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ। हलक से गाओ, हलक से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट जी। तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। ही सेड हैव यू सीन मी बैटिंग? आई सेड नो आई हर्ड यू सिंगिंग। एक हमारे घर पे आदमी आता था। अच्छा जी। मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी, तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ, अरे गणेश साहब को देना कुर्सी, देना स्टूल, देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। ये
इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत कर रहे थे उसको। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे, अरे चाय लाओ पानी गंजना। मैंने उन्हें कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी। तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का तो वो इनको लाके देता था। भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। अरे वो मेरे लिए था, वो मेरा वाला था। मुझे लगता है आज की शाम थोड़ी लंबी होने वाली है, एक बार जोरदार ताली आ जाए जरा। हमारे एक अंकल थे सर, तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीती थी। तो कोई बेवकूफी का क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप कितनी पीते हैं। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक ग्यारह बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं। अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं, मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंक करूँ, फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो। क्या मतलब है ये, थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं। वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा। कहने के हाँ, कैसी लगी आपको। कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है। कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सर एक बात बता रहा हूँ आप जी, ये आपका जो काम है ना कॉमेडी का जी सर, ये मोस्ट डिफिकल्ट। कोई भी एक्टर से पूछ लीजिए आप, ड्रामा बहुत आसान है, ट्रेजिक सीन बहुत आसान है, मगर कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग चाहिए। वो वहां कोई काम नहीं आता है, ना डायरेक्टर काम आता है, ना राइटिंग काम आती है, ना एक्टर, इज टोटली ऑन हिज ओन जी। बहुत मुश्किल काम है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो वन थिंग, कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी में सेंस ऑफ ह्यूमर है मगर वो कॉमेडी नहीं कर सकता। एक्टिंग के लिए, कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा, कमाल है। कंप्लीट एक्टर जब भी होता है जब जी कॉमेडी कर ले, उनमें से एक थे संजीव कुमार मरून, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे जी जी जी। और वो जॉनी वगर वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर सिग्नल के ऊपर आके जी, तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं, अच्छा बहुत करीब आ जाते हैं, तो जॉनी वगर के पास इतना आ गए वो। अच्छा जी, जॉनी वगर, तो उसने कहा कि सुन के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहां से हैं। इसलिए सर आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था, सोहेल भाई आपको याद है, आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी। इसलिए उसमें इंटरचेंजेबल होना थे जी, अरबाज का रोल जो था जी, उसमें इंटरवल के पहले इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है जी, वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था, तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई, बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। दबंग ऑल्सो ऑलमोस्ट एक आई थिंक एक महीना पहले भी नरेटेड एंड ही फाउंड अ फ्लॉ इन द प्लॉट एंड ही सेड कि यार तुम गो अहेड कर रहे हो फिल्म के साथ, इसमें ये खामियां इसको करेक्ट करो तब जाके इसको गो अहेड। पर अभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले वी शो डैड द फिल्म, और जैसे कि मैं अगर कभी सीन पटक जाता हूँ देन आई कॉल डैड अप एंड आस्क मी फॉर द डायलॉग्स। अरे क्या बात है फिल्म साहब, आज
शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं, कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते, लेकिन फिर भी आज की डेट में सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वही आगे वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं, तो ये सही बात है सलीम सर? नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा, ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई, शायद आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग कहते हैं, हाँ जी, लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है जी वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, और एक एक जो नेता जो है जी वो सारी उम्र बेवकूफ बनाता है। अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन, लेकिन ये आप बात बोलते हो। मैंने देख बात खत्म नहीं की, मैं वही बोल। अच्छा, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, बैठ जा नीचे। निकल गया ना पतली गली से। कल बाजी, विद योर विद सर्स हम्बल रिक्वेस्ट जी, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है जी, वो कौन सा साल था वो? अगर तूने बताया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, नहीं अगर तू बोला। मैं ये नहीं बोल रहा, पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है, पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूं बाजी। सलीम साहब, एक 1990 में मैच हुआ था। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी, कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई, वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। गुस्ताखी माफ। भाजी, आपको आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे, अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं, तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखे? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर, मेरा जो एक्टिंग जो था, करियर था जी, वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी, और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे, आपने मुझे घेर लेते हैं, और महेश कॉल डायरेक्टर थे, तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूं कर दूं। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी, तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे, वो इतना करना था मुझे, इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर आ गए उधर गए, अरे कहाँ, निकल गए कि नहीं, क्या करेगा। फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं, नहीं निकल गए सर, आ गए हैं, और ये भी हो, अच्छा 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 तैयार, ये फिर उधर बात किए, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा। फिर आए, किसी को इंस्ट्रक्शन दिया, अब नौ करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज है, ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको, 25 मरतबा, 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है, तो क्या जल्दी जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा, उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म, तो ले गया ब्लू को क्लोज के अंदर, कैमरा टक क्लैप गया, एक्शन हो ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, हो गया होगा, कट कट कट, क्या हुआ? फिर तो कहा मुंह में पानी दे दो, तो यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा, तो मैं उनको बोलने गया, तिरकी ले गया, तो पानी बाहर निकल गया।
तो हाँ क्या करेगा, अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो, तो मेरे पास आए, इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन सॉलो. ये पहला इंसिडेंट. मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो. इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था, तो वहाँ कोलाबा के अंदर एक वो चाइनीज वो शू मेकर थे. अच्छा जी. उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है. अच्छा जी. आप अच्छा, वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके. इट विल फिट, इट विल फिट. अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट. नो नो नो, इट विल नॉट कम आउट. फिट करके मेरा फॉर्म अंदर घुसर दिया. 6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था तो सारा खून भी चला गया. तो ड्रेसमैन को बुलाया तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतारा. फिर दूसरा आया, उसने तो उतारने की कोशिश करी. सारा स्टूडियो खाली हो गया, सब मुझे छोड़ के चले गए जूते पहना के. अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया टैक्सी तक, वहाँ घर पहुँचा. घर पे भी नौकरों ने कोशिश की नहीं किया, तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया. उतरे ही नहीं वो. नहीं उतरे ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं. तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि सर खून नीचे आ जाए तो साथ करे. फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तू जूते पहन के आओ वापस वापस. तो देट वॉज द सेकेंड इंसिडेंट. और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मरी छोड़ गया. प्रिंस साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक, एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश पाल जी, ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे. अच्छा जी. उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है, उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ. अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना. वाह. अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब. ना कपिल भाजी, आप पूरा शो का बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड एवरीथिंग. ओनली वन पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू जी, टू मी, टू डैडी. कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था. अच्छा. हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद. जी जी. शर्मा जब घर छोड़ के आई थी जी, तो दहेज में उनको लेके आई थी. अच्छा जी. और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए तो अभी तक है हमारे पास वो. वाह. और हमारे यहाँ बोलते हैं ना नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है. हमारे यहाँ नहीं यही चलता है. हमारे यहाँ नौकर इस बात पे है क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन. मैं उनको डैडी, मैं उनको स्टेज बुलाना चाहूंगा. आए यहाँ पे? हाँ, मैं मिला हुआ उनसे पर. हाँ, अच्छा. हाँ. अरे वाह. गंगाराम, गंगाराम आना. गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन? सिद्धू भाजी. सिद्धू भाजी आपको हेलो कर रहे हैं. उधर देखो, उधर. ये कौन है? मालूम नहीं. उधर देखो, सिद्धू भाजी बुला रहे हैं आपको. हेलो. उधर देखो, वो कौन है? वो ऊपर ऊपर. कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अध्यापक. कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है गंगाराम. हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए गंगाराम. हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, सर गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? अरे डैडी है तेरा बाप. मेरे कभी ऐसे बात नहीं की थी. तेरा बाप? हाँ बुला दो, बुला दो. तेरा बाप सो रहा है. तेरा बाप सो रहा है? गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले? सलीम सर पता नहीं कहाँ के. अभी तो हमारे घर पर है.
एक बार तो मैंने इनको डांट किया. अच्छा जी. तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की. बाप रे. हाँ, इतना पावर है इनका. इनमें इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं. खड़े खड़े सोते हैं. अच्छा जी. हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, सो जाते हैं. बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो सो रहे हैं. बट पाजी, यू हैव टू यू नो दैट जेन्युइन. आई मीन आई वांटेड हिम एंड आई वांटेड पीपल टू नो ऑफ हिम द मोस्ट स्वीटेस्ट, ऑनेस्ट एंड लॉयल. क्या बात. ईमानदार. अगर ही इज द मोस्ट लवलीस्ट पर्सन एंड जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं. जी. एंड शी केम विथ, ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए. गंगाराम जी, आप फिल्में नहीं देखते आपके घर में सब? ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते हैं लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते. तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको ये कौन है, आपने तो पहचाना नहीं. जानते नहीं, नाम नहीं मालूम. तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है. सो स्वीट. थैंक यू सो मच गंगाराम जी शो में आने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो. सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने. तो सलीम सर, एक हमारे यहाँ एक कुक आया, तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको. जी. और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा. जी. आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं. जी. तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं. हाँ जी. पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था. अच्छा जी. तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा बुलाना, इसमें नमक बहुत है. अच्छा. कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ. एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम. सलाम. वो तो सुनने की बात. सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं. अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा. ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो खींच में उठाता था, समझा. तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी. अच्छा जी. तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया. तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम. तो मैंने कहा सलाम, मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से. तो कहा वालेकुम सलाम, बोला ना आपको, समझा. तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ. मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब, सलीम साहब. मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो, इधर हमारे घर को छोड़ रहा हूँ. तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख, फोन रख. तो अरे आपने फोन किया है, मैं काय को रखूं अंदर. एक बीच में वॉल है बस, इसके बाद में गया हल्के और मैंने उससे कहा फोन रख. तू देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रख लिया, ये भी बोल रहा है फोन रख लिया, कुछ प्रॉब्लम है क्या ये. अच्छा, वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक. हाँ जी, हाँ जी. वो लगा के सोता था, अब मुझे नहीं मालूम. तो अब मैं रात को आया पार्टी से और मैं रात को भी आराम से रिलैक्स, मैंने टन 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 घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक मिलती. मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम नहीं की होगी. ये पूरा फिल्म का सीक्वेंस है ये तो. सलीम सर, मैं 7 साल ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करता रहा सर. उसके बाद ये आया, करीब 300-400 हमने शो किए. मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो. सच्ची बोल रहा हूं.
बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, सब आए सर, पर आप शख्सियत नहीं हो, एक संस्था हो सर, कमाल हो सर, आप कमाल हो, कमाल हो, लाजवाब हो, लाजवाब हो। फिल्म साहब उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, जब आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली, फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पोछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात है। एक मिनट यार, मैं सर आपके आपके पांव छू लूं सर, सबके सामने छूना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे यही मक्का काबा लगता है। आप बेमिसाल हो सर, बेमिसाल हो सर, बेमिसाल। सिद्धू भाजी, हाँ जी, सलीम साहब की बातें सुन रहे हैं तो और कुछ करने को दिल नहीं करता, लगता है कि सलीम साहब को सुने जाए। पर इतने किस्से हैं सर, सलीम साहब कुछ ना लोगों के सवाल हैं, ये मेरे नहीं है तो इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ। कहते हैं कि जब सलीम साहब आए तो उनसे पूछना कि आपके तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा मेहनती कौन है, सबसे ज्यादा सोता कौन है, ये पूछिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है ये बता दीजिए। तीनों। पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ वो आता था गणेश। जी जी। सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है सलीम साहब आपसे? नहीं मैं डांटता तो नहीं हूँ, मगर अपना डिसअप्रूवल बता देता हूँ कि आई डोंट लाइक इट। तो बचपन में खाते थे डांट? हाँ बचपन में खाते थे। तो कौन खाता था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सलमान। सलीम साहब वो जो मोहतरमा बैठी हैं लाल दुपट्टे में, इनका एक सवाल है बड़ा दिल से निकला जी। कहते हैं कि आपके बच्चों ने आपको बचपन में ज्यादा परेशान किया कि जवानी में? बचपन से लेके अभी तक परेशान किया। नमस्ते सलीम जी, नमस्ते सलमान जी, नमस्ते सुहेल जी, नमस्ते अरबाज जी। बैठे भाभी, बैठे भाभी। थैंक यू। सलीम सर ये हमारे पड़ोसी हैं बच्चा, ये उनकी वाइफ है तितली। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये किसी की वाइफ नहीं है। सलीम सर ये ना हमारी भाभी है, वैसे तो उम्र इनकी 32 साल है, दिमाग 10 साल के बच्चे का है एक्चुअली, इनका कोई बुरा ना माने प्लीज है। भाभी कैसे आना हुआ इधर, कैसे मतलब? मैंने ना देवर जी कभी अमीर लोग एक साथ नहीं देखे थे। आज चार चार अमीर लोग, और वो भी एक फैमिली के इतने हैंडसम गोरे चिट्टे लोग। सर हमारी फैमिली के चार लोग इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता किसी से मदद मांगने जा रहे हैं। सर जी मुझे पता आपने शोले लिखी थी ना जी, और दीवार भी लिखी थी ना जी। मैंने भी दीवार पे लिखा था, आपने लिखी, आपको अवार्ड मिला, मेरे को क्यों थप्पड़ पड़ा? क्या लिखा था आपने दीवार पे? मैंने लिखा था आई लव अरबाज खान। सॉरी सर, मैं आपके बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे को अरबाज सर इतने अच्छे लगते हैं ना। एक इनकी फिल्म थी, बेचारी लड़की छोटे कपड़ों में पहाड़ी इलाके में आग जगा के ऐसे ऐसे नाच रही थी, क्या गाना था, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है हाँ, लेकिन ये बंदा मजाल कुछ स्माइल हो ऐसे खड़े, मुझे लगता है इनको लिरिक्स नहीं समझ आए होंगे है ना। अभी वो इनका करेक्टर ऐसा था, गुस्से में रहते हैं वो। भैया आपको शर्म आनी चाहिए, उनके पापा बैठे बैठे के करेक्टर की बात करी जा रहे हो। खैर बड़े बात कर रहे हैं, हम बात करते पेरेंट्स लोग। सर आपका मन नहीं करता कि आपके बड़े बेटे की शादी हो और आप भी वो बेबी पिंक कलर की पग होती है वो पहन के ऐसे रुमाल ऐसे बरात के आगे नाचे, और फिर ऐसे विदाई पे आप चिल्लर फेंके डोली के आगे, आधे चिल्लर नाली में आधे इधर, नाली वाले हम उठा लाए क्योंकि हम तो को चलते हैं, आपका मन नहीं करता? अभी देखो उनको नहीं करनी शादी, तुम्हें क्या? क्यों नहीं करनी है? मुझे क्या,
सलीम सर ने जो लोगों की शादी में लिफाफे भर भर के शगुन डाले हैं, वो नहीं चाहते कि वापिस आए। आए बड़े। देखिए हम पेरेंट्स लोग बात करते हैं सर, बेटा माने ना माने, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको फैसला लेना है। आज सलीम सर आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरे पास एक अच्छी लड़की है, आज लड़की देखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आज तो थोड़ी देर हो गई है, कल पे रखते हैं। नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। लड़की आ रही है, आ जाओ। और सुनो, ट्रे को जरा कप कपाते हाथों से लाना ताकि लगे लड़की शर्मीली है। आ जाओ बेटा। आएगी नहीं वैसे तो बैठाना, इधर ही बैठ जाओ, कहीं अड़ा लो अपने आप को। चलो जी बधाई हो, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देख लिया, रिश्ता पक्का, बधाइयां जी। एक मिनट भाभी, पहले शक्ल तो दिखाओ, इतना लंबा घूंघट कौन रखती है लड़कियां आजकल? अच्छा शक्ल दिखा दे ताकि वो मुंह पे रिश्ता मना कर दे। मुखड़ा दिखाओ, बिठा दो बेटा घूंघट आगे। ओह माय गॉड, देखिए इनकी भी हंसी निकल गई। बताइए सर कैसा लगा मुखड़ा? पता है अभी ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो शुरू हुआ ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? हेलो ब्रदर, तेरे से ज्यादा अच्छी थी। वैसे कपू तुमको प्रॉब्लम क्या है, दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है, तुम क्यों बीच में? कि दो परिवार बराबरी के भी तो होने चाहिए, एक परिवार बैंड्रा से दूसरा बंदरों का। नहीं नहीं ससुर जी, मैं ना आपके सारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और घर का सारा ख्याल मैं रखूंगी, डोंट वरी। कैसे रखेगी, पहले तो मलाड़ में छह घरों का काम पकड़ रखा है। कपू तुमको क्या लगता है कि अगर मैं खान परिवार की बहू बन गई तुम्हारे साथ काम करूंगी उसके बाद? अच्छा आगे मुझे पता नहीं क्या बोलना, कॉन्फिडेंस देखो आप। वैसे सलमान जी, शादी के बाद ना मैं स्क्रिप्ट पढ़ के आपको सुनाऊंगी और फिर आपको हेल्प करूंगी कि यू नो बताऊंगी कि ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। आई हेल्प यू। ये तो तुमने अपने बारे में सोचा नहीं कभी कि ये शो करना चाहिए कि नहीं, जो तुम्हारी हालत वो कर रही है, तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी मैंने। बहुत अच्छे से पढ़ी। एक मिनट देखिए, लड़का लड़की सामने, अच्छी अच्छी बातें कर, अच्छी अच्छी बातें कर। सलमान जी सबको पता आप इतने अच्छे पेंटर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरी भी पेंटिंग बनाएं। भाई बड़ा इजी है वैसे। अदरक नहीं होता, अदरक रखे ना दीवार पे, मुक्का मारो, बन गई पेंटिंग। सुनो भाभी, ये क्या आप क्यों बार बार के लेके आ जाती हो आप उसको? है? आपको पता है सलमान भाई के लिए कितनी लड़कियां तैयार है शादी करने के लिए? कौन है? कोई नहीं है। देख वो देखो, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर रही लड़कियां, ये लो इधर भी आ गए कंटेस्टेंट, पीछे उधर बांटू में भी आ रहे हैं वो देखो। लेकिन एक बात है देवर जी, मेरी बहन को कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों? इतना टैलेंट है, लग रहा ना कि ऐसे खड़ी लेकिन इसके मुंह में पान है, पता ही नहीं चला किसी को। देखा मैंने तेरी तारीफ की, कौन करेगा मेरी बहन से कॉम्पिटिशन बताओ? तो ये है वो टैलेंटेड लड़कियां जो मेरी बहन को हराएंगी। आप में क्या टैलेंट है? I'm a singer. मैं अपनी सिंगिंग से सलमान सर को इम्प्रेस कर सकती हूँ। I'm damn sure. And then what? Damn sure. अच्छा। Daddy, same music master है मेरा। आप आपने नाम नहीं बताया अपना। I'm Angelina, I'm from Mumbai. Angelina, Jolly? No. मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं हॉलीवुड से नहीं हूँ। Okay, thank you Angelina. मैम आपका क्या नाम है? प्रिया, प्रिया। जी प्रिया। सर एक्चुअली मैं जिम जाती हूँ, तो सर को जिम भी बहुत पसंद है, फिटनेस पसंद है, तो उनको मैं खुद जिम जाऊंगी और सर को, तो सर भी मुझे लेके जाएंगे और मैं भी उनके साथ जिम जाऊंगी, तो हम दोनों फिट रहेंगे। फिर क्या होगा? तो फिर सर को फिटनेस पसंद है ना।
फिर फिटनेस चली जाएगी। बोल रहे फिर फिटनेस चली जाएगी। पर अच्छी बात है आप फिटनेस फ्रीक हैं। और आप मैडम? मैं आई डांस फॉर सलमान सर। ऑन विच सॉन्ग? यू सिंग यू डांस। ओके, नो इश्यू। एंजेलिना, आप कहीं से सीखती हैं कि गॉड गिफ्ट है? आपने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज सैफ अली। सैफ अली? सैफ अली। सैफा शिफाली फ्रॉम सूरत गुजरात। तो आप क्या करके दिखाएंगी? पेंटिंग। उसमें तो टाइम लगा जाता है काफी। नहीं, मैं बना के ही लाई हूँ। दिखाइए। अच्छा, ये पेंटिंग तो, अच्छा ये तो वही है ना जो स्कूल में सारे बच्चे बना लेते हैं। पर बहुत अच्छी है। ये पहाड़ है और घर है नदी। ये हमारा घर होगा शायद। अगर हाँ मार दे। मतलब अगर सलमान भाई इंप्रेस हो गए तो ये आपका घर होगा। आपका घर होगा। नहीं नहीं, आपका सलमान जरूर हमारा। सूरत में है ऐसे पहाड़ वगैरह? नहीं है, बना लेंगे। उसने क्या है, पहाड़ भी बना लेंगे। पहाड़ बना लेंगे। भाभी बताओ फिर। टाइम वेस्ट कर दिया, निकलो यहाँ से। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, गर्ल्स को नहीं कह रही मैं, इसको कह रही, निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट। एक सेकंड, चल यहाँ से, चल दीदी, नहीं चल। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे खान परिवार के लिए, खास तौर पे दिलीप साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने आज आके सच में चार चांद लगा दिए। बहुत सालों से तमन्ना थी कि आप कभी हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच सलीम साहब, एक बार जोरदार तालियां। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।